इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की ओर खिंच जाएंगे क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है इसीलिए फ्लोरीन के ऊपर माइनस वन इमेजनरी चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस वन तो अगर हम टोटल इमेजनरी चार्ज काउंट करें ऑक्सीजन एटम के ऊपर तो वो होगा प्लस वन एंड प्लस वन दैट मीन्स टोटल इमेजनरी चार्ज प्लस टू इसीलिए यहां ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस टू फोर्थ रूल में हम हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं हाइड्रोजन का इसके ज्यादातर कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें और वाटर में हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो जैसा कि हम पहले भी वाटर की स्ट्रक्चर में कॉवलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है तो यहां पर अगर हम हाइड्रोजन एटम के ऊपर देखें तो इमेजिनरी प्लस वन चार्ज डेवलप होता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है इसीलिए यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंपाउंड बनाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वहां माइनस वन होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम हाइड्राइड की बात करें तो यह है सीए टू प्लस तथा एच माइनस आयन से मिलकर बना होता है और अगर हम एच माइनस आयन को ध्यान से देखें तो यहां पर हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक रियल चार्ज माइनस वन प्रेजेंट है इसीलिए यहां हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन है चलिए अब फिफ्थ रूल देखते हैं फिफ्थ रूल हमें यह है बताता है कि जो फ्लोरीन एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इसके सभी कंपाउंड्स में माइनस वन होता है जबकि जो बाकी के हेलोजन होते हैं जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन इनका ऑक्सीडेशन नंबर जब ये हेलाइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स में उस केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होता है लेकिन जब क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और ऑक्जो एसिड तथा ऑक्जो एनायन बनाते हैं उस केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है फॉर एग्जाम्पल एच सी एल ओ फोर इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सेवन होता है और सी एल ओ फोर माइनस आयन यहां पर भी क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सेवन होता है जो कि हम बाद में देखेंगे भी सिक्स रूल हमें यह समझाता है कि अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें तो उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम एडिशन कर दें या फिर एल्जेब्रिक्स सम कर दें तो वह जीरो आता है फॉर एग्जाम्पल एच सी एल ओ फोर यह एक कंपाउंड है तो चलिए इस कंपाउंड के सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल करते हैं हाइड्रोजन का प्लस वन क्लोरीन का प्लस सेवन और यहाँ ऑक्सीजन के चार एटम्स प्रेजेंट हैं दैट मीनस फोर इन माइनस टू इनको जब हमने टोटल किया तो हमने यह देखा कि टोटल जीरो आ रहा सेवेंथ रूल हमें यह बताता है कि अगर हम एक पॉलीएटॉमिक आयन की बात करें तो उस आयन में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक आयन के ऊपर प्रेजेंट टोटल चार्ज के इक्वल होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीओ थ्री टू माइनस आयन देखें यहां पर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का एल्जेब्रिक सम माइनस टू होगा और ये हम करके भी देख सकते हैं कार्बन का एक एटम है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर होगा और ऑक्सीजन के तीन एटम हैं और हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होता है दैट मीनस माइनस टू इंटू थ्री और इनका एल्जेब्रिक सम माइनस टू आया जो कि इस आयन के ऊपर चार्ज था मेटेलिक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है तथा नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होता है जबकि जो ट्रांजेशन मेटल्स होते हैं हमारे वो बहुत तरह के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं अगर हम पेरिडिक टेबल को ध्यान से देखें तो पेरेडिक टेबल में लेफ्ट से राइट right जाने पर जो हर ग्रुप का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ता जाता है तो चलिए अब देखते हैं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में और यह जानते हैं कि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है अगर हम C3O2 मतलब कार्बन सबॉक्साइड कंपाउंड की बात करें और अगर हम इसमें कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो हम निकालने की कोशिश करते हैं तो चलिए मान लेते हैं कि कार्बन एटम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर x है अब चूंकि यह एक कंपाउंड है और हमें पता है कि कंपाउंड के जो एटम्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम जीरो होता है तो हमारी वही इक्वेशन यहाँ अप्लाई करते हैं हम हम कार्बन एटम क्योंकि यहां पर तीन है तो लिखेंगे थ्री एक्स प्लस ऑक्सीजन के दो एटम यहां पर है और एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का माइनस टू होता है दैट मीन्स माइनस टू इंटू टू इज इक्वल्स टू जीरो तो यहां से हमें जो एक्स की वैल्यू मिलती है वो मिलती है फोर बाई थ्री दैट मीन्स यह एक फ्रैक्शनल वैल्यू है तो अब हमारे आगे यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है जो कि नहीं हो सकता तो यहाँ जो x की वैल्यू निकली है यह है तीनों कार्बन के जो एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है जो कि फ्रैक्शन में आया है इसीलिए हम यहाँ पर प्रत्येक कार्बन एटम का अलग अलग इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसके लिए हमें इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी होगी तो चलिए इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर दिखाए गए डायग्राम के अनुसार होती है तो सबसे पहले हम यहां पर जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उनके जो सेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पर कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिविटी कार्बन से ज्यादा है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन ने कार्बन के एडिशनली दो इलेक्ट्रॉन और अपनी तरफ खींच लिए हैं जिसके कारण इसके ऊपर इमेजिनरी माइनस टू चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर इमेजिनरी प्लस टू चार्ज आ जाता है अब अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो वह कुछ इस प्रकार से होगा इलेक्ट्रॉन्स यहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं क्योंकि दोनों और कार्बन एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है उसी प्रकार अगले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली हो जाएगा क्योंकि दोनों और कार्बन एटम्स ही हैं और आगे फिर से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे अगेन माइनस टू और कार्बन पे प्लस टू इमेजुनरी चार्ज डेवलप हो जाएगा तो अब अगर हम पहले कार्बन पर टोटल इमेजिनरी चार्ज जो डेवलप हुआ है उसे काउंट करें तो वो है प्लस टू और जीरो दैट मीन्स टोटल प्लस टू इसलिए यहां इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी प्लस टू होगा दूसरे कार्बन पर टोटल इमेजिनरी चार्ज जीरो प्लस जीरो डेवलप हुआ है दैट मीन्स टोटल चार्ज भी जीरो है और ऑक्सीडेशन नंबर भी इस कार्बन का जीरो होगा तीसरे कार्बन की अगर बात करें तो तीसरे कार्बन पर टोटल इमेजिनरी चार्ज जीरो प्लस प्लस टू दैट मीन्स टोटल प्लस टू इमेजिनरी चार्ज डेवलप हुआ है मतलब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी प्लस टू होगा तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में एटम्स का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं